Hi guys, welcome to my channel. I am Swati. कैसे हैं आप सब? I hope you all are doing great. आज की वीडियो एक हॉल रिलेटेड वीडियो होने वाली है. इसमें मैं कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स लेके आई हूँ जो मल्टीपल तरीके से रीयूज हो सकते हैं, और इस टाइप के कुछ बेसिक आइटम्स आपके पास ज़रूर होने चाहिए क्योंकि वो अगेन डिफरेंट आउटफिट्स के साथ जा सकते हैं. तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया देन डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट रेगुलर नोटिफिकेशंस. सो चलो जल्दी से हॉल स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी एक बेज कलर की कुर्ती जो मैंने अमेजोन से ऑर्डर की है. और गाइस, मतलब व्हाई आई पिक दिस बेज कुर्ती, इट्स बिकॉज कि इस टाइप की कुर्ती मोस्टली चीज़ों के साथ चली जाती है और बहुत ही ज़्यादा क्लासिक लगती है. ये कलर ऐसा सा है कि ये रेड के साथ भी अच्छे से जाएगा, मरून के साथ भी, ब्लू के साथ भी और ग्रीन के साथ भी. तो अगर आपको एक से डिफरेंट लुक्स चाहिए हो तो इस टाइप की बेज कुर्ती ले लो. ये इसको आप डिफरेंट कलर की पैंट्स एंड प्लाजोस के साथ कंबाइन करके वेयर कर सकते हो, लॉन्ग स्कर्ट के साथ पहन सकते हो, तो ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट लगने वाली है. ये जो कुर्ती है ये है फ्रॉम ब्रांड रंगावली और ये मैंने साइज़ मीडियम ऑर्डर किया था, 34 साइज़ मुझे डिलीवर हुआ है. इसके फ्रंट में कुछ इस टाइप से आपको पूरे में एम्ब्रॉयडरी मिल जाएगी और काफ़ी ज़्यादा फाइन वाली एम्ब्रॉयडरी है. ये मैंड्रिन कॉलर है इसका और इसमें पूरे में लाइनिंग लगी हुई है. सो लाइनिंग इज़ ऑफ सिंथेटिक फैब्रिक, तो थोड़ी सी गर्मी लग सकती है, बट सारे फेस्टिवल्स एंड जो वेडिंग्स होती हैं वो तो मोस्टली विंटर्स के टाइम पर ही आती है, तो उसमें ये पहनने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगने वाली है. इसकी स्लीव्स क्वार्टर स्लीव्स हैं और स्लीव्स में कोई भी लाइनिंग नहीं है. इसका जो फ्लेयर है कुछ इस टाइप से फ्लेयर वाली कुर्ती है, थोड़ा सा फ्लेयर है इसमें. इसमें कुछ ऐसे कलियां दे रखी हैं, तो ये कुछ ए शेप की कह लो, कुछ ज़्यादा ही ए शेप है और थोड़ा अच्छा सा इसका फ्लेयर टाइप है. तो इस टाइप की कुर्ती है. फिटिंग वाइज बात करें तो फिटिंग इसकी ऑसम है, बहुत अच्छी फिटिंग आई है इसकी. फैब्रिक क्वालिटी की बात करें तो फैब्रिक क्वालिटी इज़ ऑल्सो अगेन वेरी नाइस, बहुत अच्छी फैब्रिक क्वालिटी है. इवन अगर आप इसकी रेटिंग चेक करोगे ना अमेज़ॉन पे तो काफ़ी अच्छी रेटिंग आपको मिल जाएगी. सो ये कुर्ती है अराउंड 800-900 की, तो एग्जैक्ट प्राइसेस आपको सबकी स्क्रीन पे ही मिल जाएंगे. और ये कुर्ती को मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी, इट्स एक्चुअली अ मस्ट हैव पीस बिकॉज ये डिफरेंट चीज़ों के साथ चली जाएगी. जैसे सपोज आपके पास कोई कुर्ती सेट है जिसका प्लाजो है मरून कलर का और चुन्नी मरून कलर की है, तो वो आप पैंट्स या प्लाजो इसके साथ वेयर कर लो, चुन्नी वेयर कर लो, तो एकदम डिफरेंट, न्यू, एंटायरली डिफरेंट, एकदम न्यू ड्रेस आपकी रेडी हो जाएगी. तो ऐसे ही आप किसी और अपनी कुर्ती या प्लाजो उसको इसके साथ पेयर अप कर लो तो बहुत अच्छी लगने वाली है. नेक्स्ट गाइस, मैंने पिक किया है एक वेलवेट का दुपट्टा. वेलवेट का दुपट्टा भी आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, वेलवेट की ड्रेसेस बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, चल रही हैं काफ़ी. तो इस टाइप का दुपट्टा मैंने पिक किया है और बहुत ज़्यादा रीजनेबल प्राइस का है, अराउंड 300-350 कुछ इस टाइप का ही है. इस पूरे के पूरे दुपट्टे में जो बॉर्डर है उसमें गोटा पत्ती का कुछ इस टाइप से वर्क हुआ हुआ है. वर्क इज़ फाइन, इसमें मतलब चिपका हुआ नहीं है, इसमें ऊपर से सिलाई भी हुई हुई है. तो ये इस टाइप का वेलवेट का दुपट्टा जो मैंने अपनी ड्रेस के साथ लिया तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा. ये मल्टीपल कलर्स में आपको ऑप्शंस इसमें मिल जाएंगे अमेज़ॉन पे, तो ये आप कंसीडर कर सकते हो. इट्स लाइक इसका देख रहे हो विड्थ तो कम है बट इसकी जो लेंथ है वो बहुत अच्छी खासी लंबी लेंथ है, तो आई थिंक ये 2.5 मीटर के अराउंड है. इट्स नॉट, बहुत छोटा नहीं है, बहुत लंबा है बट इसकी विड्थ कम है, जो कि अगेन एक प्लस पॉइंट है. एकदम शॉल सा नहीं लगेगा, एक दुपट्टा ही लगेगा. वेलवेट का दुपट्टा विंटर सीज़न में कुर्तीज़ के साथ कैरी करने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, थोड़ी सी वार्म एंड कोजी फीलिंग आ जाती है, तो वेलवेट का दुपट्टा भी आप कंसिडर कर सकते हो. ये एक मस्ट हैव पीस है आपकी वार्डरोब में. नेक्स्ट गाइस, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ दिस जरी वाली कुर्ती. जरी वाली कुर्ती भी आपके पास होनी ही चाहिए क्योंकि ये भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट तरीके से स्टाइल अप हो सकती है. इसको आप चूड़ीदार के साथ वेयर कर सकते हो, पैंट्स एंड प्लाजो के साथ भी वेयर कर सकते हो, इवन लॉन्ग स्कर्ट के साथ भी आप इसे वेयर कर सकते हो जरी वाली कुर्ती. तो जरी वाली कुर्ती मैंने अभी कुछ इस टाइप वाली पिक की है अमेज़ॉन से ही. इसमें फ्रंट में नेक पे कुछ इस टाइप से आपको जरी गोल्डन जरी का वर्क मिल जाएगा एंड फ्रंट में कुछ बूटे मिल जाएंगे इस टाइप से. और ये इसका फैब्रिक थोड़ा सा सिल्क सा है, आई थिंक जो सिंथेटिक सिल्क होता है वैसा फैब्रिक है, और ये थोड़ा ना डबल शाइन वाली कुर्ती है. तो इसमें ग्रीन टोन की है बट उसमें पिंकिश का भी ना रिफ्लेक्शन हो रही है. और गाइज, इसकी जो स्लीव्स हैं वो इस टाइप की है, स्लीव्स पे पूरा जरी का वर्क हो रहा है, फुल स्लीव्स है,
तो फुल स्लीव्स जो है विंटर्स में काफ़ी ज़्यादा सही रखती हैं। मतलब ये तो एक रेफरेंस है जरी वाली कुर्ती का। अगर आप चाहो तो बेज कलर में भी जरी की कुर्ती ले सकते हो, या तो मरून कलर में, वो भी काफ़ी अच्छी, लाइक डिफरेंटली आप स्टाइल अप कर सकते हो उसको। और ये फेस्टिवल्स में भी अच्छी लगेगी, वेडिंग सीजन में भी इस टाइप की कुर्ती बहुत ज़्यादा स्मार्ट लगती है। इसका बॉटम भी आप हैवी वेयर कर लो तो बहुत अच्छी लगेगी वेडिंग में, एज अ वेडिंग गेस्ट लुक भी आप इसे क्रिएट कर सकते हो। तो इस टाइप की कुर्ती भी आप कंसिडर कर सकते हो। इसमें भी आप देखोगे पूरे नीचे लाइनिंग लगी हुई है, एंड लाइनिंग भी थोड़ा सा या एक सिंथेटिक मटेरियल की लगी हुई है, शैंटून आई थिंक सॉर्ट ऑफ लाइनिंग है ये कुछ इस टाइप की। और कुर्ती मुझे काफ़ी अच्छी लगी। फिट वाइज बात करें तो फिटिंग कुर्ती की अच्छी है, बट स्लीव्स थोड़ी सी लूज हैं, बट आई बिलीव वो इसलिए क्योंकि इस पर वर्क हुआ हुआ है, थोड़ा सा खुली स्लीव्स हैं तो वो भी ठीक लग रही है पहनने के बाद, ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, सुंदर लग रही है क्योंकि स्लीव्स पे बहुत अच्छा डिज़ाइन हो रखा है। तो इस टाइप की कुर्ती भी मैं रिकमेंड ज़रूर करूँगी। इसका सबका प्रोडक्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट गाइस, मैंने एक जैकेट ऑर्डर की है, वो है ये सीक्वेंस वाली रोज गोल्ड में जैकेट। तो दिस जैकेट ऑल्सो हैविंग फुल स्लीव्स, और इसमें पूरा जो फैब्रिक है दैट इज़ लाइक सीक्वेंस का वर्क हुआ हुआ है। तो इसमें साटन की जो है सैटन की लाइनिंग लगी हुई है, और ऊपर जो फैब्रिक है ना वो थोड़ा सा लाइट हल्का सा फैब्रिक है, हल्का इन द सेंस थोड़ा सा थिन है फैब्रिक, और उस पर सीक्वेंस का वर्क हुआ हुआ है तो इस टाइप की है। और इसमें जैकेट में पूरे में इस टाइप से क्या बोलते हैं लेस लगी हुई है, तो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। इसकी जो फिट है वो भी बहुत अच्छी है। शॉर्ट जैकेट है ये फुल स्लीव्स की, तो विंटर्स में अगर आप इवन वेस्टर्न ड्रेस के साथ भी इसको वेयरअप करना चाहते हो तो ये बहुत अच्छे से जाएगी। और इवन गाउन वगैरह के कुछ इस टाइप का जिसके साथ आप ये मैच कर सको, इस टाइप का गाउन भी है अगर, तो उसके ऊपर आप वेयर कर लो तो बहुत अच्छी लगने वाली है जैकेट भी। तो ये जैकेट भी आप कंसिडर कर सकते हो। इसका प्राइस इज अराउंड आई थिंक थोड़ी सी कॉस्टली है, 1300 के अराउंड है। सब प्रोडक्ट्स का प्राइस आपको अभी स्क्रीन पे मिल जाएगा, और जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो अभी के लिए मेरे पास यही प्रोडक्ट्स थे शो करने के लिए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आप लोगों को सबसे अच्छा प्रोडक्ट कौन सा लगा। अच्छी लगी है ये वीडियो तो उसको एक बिग थम्स अप देना, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। अभी के लिए मेरे पास बस इतना ही, आज नेक्स्ट वन वेरी सून, टिल देन बाय।